नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका DDS पे। और आज की Q&A वीडियो का सबसे पहला सवाल है अंकित जी का। वो पूछ रहे हैं कि सेंट्रो स्पोर्ट्स या फिर स्विफ्ट LXi या फिर सेलेरियो ZXi कौन सी लूं, बजट है 5.7। तो यहाँ पर जो है स्विफ्ट जो है अच्छा ऑप्शन लग रहा है मुझको, तो स्विफ्ट में जाइए आप। और उसके बाद सुरेश जी आपसे पूछ रहे हैं कि कन्फ्यूज हैं वो टियागो JTP और नेक्सॉन पेट्रोल में, उनका बजट मैक्सिमम 7 लाख है, उन्हें फन टू ड्राइव कार चाहिए जिसमें फीचर्स ठीक ठाक हो। अगर फीचर की बात अगर आप करें तो फीचर आपको JTP में ज्यादा मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर मैं एक चीज ऐड करूं, अगर आप फैमिली के पर्पज के लिए ले रहे हैं तो आप नेक्सॉन में जाइए। आपके क्या कहना है इस चीज में? फन टू ड्राइव नेक्सॉन भी ठीक ठाक है यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में प्लान करके देखते हो तो मेरे ख्याल से नेक्सॉन ज्यादा बढ़िया गाड़ी है आपके यहाँ पे। जी बिल्कुल। और इट्स योर जस्ट का सवाल है, अल्ट्रोज एग्जेट और फ्री स्टाइल टाइटेनियम पेट्रोल में कंफ्यूज हो रहे हैं, उनकी रनिंग है 75% हाईवे पे और 25% सिटी पे। और ये भी साथ में पूछ रहे हैं कि पहाड़ों में चलाने के लिए पेट्रोल अल्ट्रोज का इंजन उतना ज्यादा सफिशेंट है या नहीं है, अगर इसमें फुली लोड आ जाए तो। भाई मैं अगर यहाँ पर होता तो मैं तो यार सीरियसली फ्री स्टाइल के ऊपर जाता। देखो फ्री स्टाइल में एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि इंजन थोड़ा सा जोशीला है उसका वहां पर, और उसके बाद सारे एडवांटेज जो है वो जाते हैं अल्ट्रोज पे, अगर प्रोडक्ट की अगर बात करें तो। और ऐसा नहीं है कि 5 लोग बैठने पे पहाड़ों में अच्छी चल नहीं पाएगी वो गाड़ी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो वैसे एक बात बताएं कि आपने ऐसा सवाल पूछ लिया, हम ही कंफ्यूज हो गए कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। और यहाँ पर देखो और चीजें और फैक्टर भी हैं, जैसे कि स्पेस आपको ज्यादा चाहिए और एकदम आपको गुड लुकिंग कार चाहिए तो आप अल्ट्रोज पे भी जा सकते हैं। गुड लुकिंग फ्री स्टाइल भी काफी सही है, अच्छी दिखाई देती है, इनफैक्ट जो है कॉम्पैक्ट SUV टाइप दिखाई देती है, और जैसा कि उसका नाम है वैसे ही वो ऑलराउंडर भी है भाई फ्री स्टाइल, ठीक है। और इंजन का रिस्पांस जो है वो भी थोड़ा सा बेहतर है, तो मैं यहाँ पर होता तो क्योंकि मेरी पर्सनल चॉइस फ्री स्टाइल में मैं चला जाता भाई, मेरे को लुकवाइज भी कोई दिक्कत नहीं है और मैं भी फ्री स्टाइल में ही जाता। बाकी अब आप डिसाइड करें, सबके प्लस माइनस आपको पता ही है। जी तो बेलानी रवि पूछ रहे हैं कि हाय रविंद्र, आई नीड योर हेल्प इन डिसाइडिंग अ व्हीकल, आई एम गेटिंग अ डील ऑन यूज्ड कार, यूज्ड 4 फ्री स्टाइल, 2200 किलोमीटर चली है बस, और मॉडल है 2018 और 5.5 लाख की इनको मिल रही है भोपाल में, पेट्रोल में है 5.5 लाख। देखिए नई गाड़ी जो है उसकी कीमत अगर आप देखें तो वो आ जाती है 8 लाख के आसपास, 5.5 लाख में मिल रही है। मॉडल कौन सा है? पेट्रोल टाइटेनियम प्लस है, टॉप मॉडल, 6 एयरबैग वाला। देखिए बैड डील तो नहीं कहेंगे हम इसको, लेकिन फिर भी अगर 5 के हेरफेर में आ जाती है तो बहुत बढ़िया रहेगा। 2200 किलोमीटर जेन्युइन चली है तो ले लो यार, नई गाड़ी है पूरी, ठीक है, और बहुत अच्छे प्राइस में मिल भी रही है, थोड़ा सा और नेगोशिएट कर लेंगे तो बात बन सकती है। तो गोविंद त्रिवेदी पूछ रहे हैं कि इनको एक हैचबैक कार लेनी है जो कि सिटी में भी चलानी है और हाईवे पे भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सके, और अभी उनके पास है XUV500, लेकिन उनको एक ऑप्शनल कार चाहिए, ठीक है, सिटी पर चाहिए ज्यादातर चलाने के लिए। और उन्होंने नीचे जो गाड़ियां हैं वो लिखी है, और डीजल मुझे प्रीफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, 1000 किलोमीटर की रनिंग है तो आप डीजल पे मत जाओ। तो पहला ऑप्शन है नियोस i20 BS6 क्विड को एकदम साइड में हटा दो, टिगोर हैचबैक नहीं है, शायद आप टियागो लिखने वाले थे, स्विफ्ट और वैगनार। आपने एक बहुत अच्छा ऑप्शन छोड़ दिया है भाई साहब, वो है फिगो, जो आपको चलाने में भी अच्छा मजा आएगा। यस, लेकिन हाँ अगर फिर भी आपका ऑप्शन आपने जानबूझ के छोड़ा है वो सारी चीजें, तो i20 भी BS6 के अंदर चले जाइए ना, अच्छा है, और नियोस भी एक अच्छा ऑप्शन है। वो आप डिपेंड करता है आपको कितना स्पेस चाहिए, थोड़ी सी कॉम्पैक्ट चाहिए तो आप नियोस में चले जाइए। अगला सवाल है वैभव का, रवि और रोहित जी मुझे एक न्यू कार लेनी है, बजट 6 से 8 लाख, डिजायर फ्री स्टाइल और टिगोर, 3 कार देखी है मुझे, 10 साल तक चलानी है, कौन सी लूं जिसके स्पेयर पार्ट अच्छे से मिल जाए, डिजायर और रिसेल वैल्यू भी अच्छी मिले 10 साल के बाद, डिजायर फ्री स्टाइल और टिगोर, सबसे पहला वाला ऑप्शन आपका डिजायर, ये अगर 3 चीजें आपकी प्रायोरिटी है तो। जितेश जी पूछ रहे हैं कि आजकल का कॉम्पैक्ट SUV का चलन है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सभी गाड़ियों में कुछ ना कुछ कमी तो होती है, वो भी सही बात है आपकी, जैसे कि XUV300 में बूट कम है, महंगी लगती है, इको स्पोर्ट में नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है लेकिन 3 लोगों का पीछे बैठना बहुत ही कठिन है, नेक्सॉन के पीछे का लुक मजेदार नहीं लगा इनको,
जबकि ब्रेजा की बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी की XUV 300 की है, और वेन्यू की बैक सीट में स्पेस नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो क्या ऐसे में किया सेल्टोस ST के पेट्रोल ऑन रोड प्राइस 1180 के साथ जाना ठीक रहेगा? तो इन्होंने तो यहाँ पर पूछा कम है, बताया ज्यादा है। तो हमारा जवाब है हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सेल्टोस में जा सकते हैं। तो अगला सवाल है संध्या दर्शन का, क्वेश्चन नंबर 1, टियागो एग्जिट प्लस में टायर नॉइस कैसे कम करें? टायर चेंज करने के बाद ही अगर आपके स्टॉक टायर हैं तो उसमें नॉइज आती है। इको मोड कब ऑन करना है? शुरू से ही करने से फायदा नहीं मिल रहा है, तो आप इसे हाईवे में ही करें जब आपकी गाड़ी जो है एक कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन कर रखी हो, जब आपने तभी ऑन करने का फायदा है, बाकी सिटी में उसका कोई फायदा नहीं है यूज करने का। तो अगला सवाल है राहुल जी का, आई एम प्लानिंग टू बाय ए न्यू कार, पेट्रोल कार है, इनकी प्रायोरिटी है सेफ्टी सबसे पहले, दूसरे नंबर पे है अच्छी आफ्टर सेल सर्विस, तीसरे नंबर पे है लो मेंटेनेंस कॉस्ट, चौथे में है अच्छी रिसेल वैल्यू, और इन्होंने एक कंडीशन यहाँ पर दे रखी है, वो ये है कि ये मुंबई में रहते हैं और जहाँ पर बाढ़ आसानी से आ जाती है, ऐसी कार लेनी है इनको जो कि बाढ़ में सुरक्षित रूप से निकल जाइए, कृपया मेरी सहायता करने का कष्ट करें, बजट है मैक्सिमम 10 लाख रुपए। तो मतलब कि आपको एक ऊंची गाड़ी चाहिए यहाँ पर। दो हमारे पास ऐसे ऑप्शन है, नंबर 1 के ऊपर मैं इको स्पोर्ट को रखूंगा यहाँ पर, और दूसरे नंबर पे आप नेक्सॉन भी देख सकते हैं। देखिए, इको स्पोर्ट रखने का रीजन ये है कि सुनने में आता है कि फोर्ड की गाड़ियों की वाटर वेडिंग कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा और सबसे अच्छी होती है। खैर, हमने तो कभी इतना ज्यादा यूज नहीं किया है, चलाया नहीं है, बाकी एक लिमिट होती है हर गाड़ी की, ज्यादा पानी आएगा तो डूबेगी, ठीक है, वो गाड़ी ही है, नाव नहीं है। तो इको स्पोर्ट को प्रीफरेंस लेकर चलिए 10 लाख के अंदर आप। आई वॉन्ट टू बाई अ CNG कार, माई डेली ड्राइविंग इज 60 से 70 किलोमीटर, वैगनआर CNG या फिर सेंट्रो CNG, प्रायोरिटी है इनकी परफॉर्मेंस, कम्फर्ट, रिलायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस। देखो, CNG को लेकर के मारुति के इंजन शुरुआत से काफी रिस्पॉन्सिव रहे, तो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा, स्पेस भी आपको वैगनआर में थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, कंफर्ट भी आपका बढ़ जाएगा, तो आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर ज्यादातर वैगनआर से पूरी हो रही है, तो गो फॉर वैगनआर। रीसेल वगैरह भी वैगनआर की ज्यादा बढ़िया रहेगी। तो मोहित जी, आपको ग्रैंड आइटन के लिए बहुत बहुत बधाइयां, स्पोर्ट्स वेरिएंट लिया है, 1 लाख का कैश डिस्काउंट इन्होंने लिया था, ड्राइव कीजिएगा। और अगला सवाल है राहते का, वो मुंबई से हैं, उनको 2018 की BS4 कार मिल रही है शोरूम से, 2018, ठीक है, और XZA वेरिएंट है, उनको 8.5 लाख का मिल रहा है, और शोरूम वाले बोल रहे हैं कि 1,75,000 का डिस्काउंट है। गलत बोल रहे हैं आपके शोरूम वाले, अगर मुंबई में, या तो आपने गलत लिख दिया, या आपका क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, या आपका जो शोरूम वाले हैं वो आपका काट रहे हैं, सीधी सी बात है। क्योंकि अभी मैंने देखा था कि मुंबई में जो ऑन रोड प्राइस है XZA का वो 9 लाख के आसपास है, 8.90 या मैक्सिमम 9 लेके चलो आप, और ये दे रहे हैं 8.50 में। और पहली बात, एक और चीज आप जान लो कि जिस टाइम 2018 के आसपास जो है वो टिगोर सस्ती भी थी भाई साहब, अभी जो टिगोर आ रही है उससे, तो क्यों फालतू में फंस रहे हो? कोई मोटा डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा, सिर्फ शब्दों में खेला जा रहा है, ठीक है, और जो है अपना स्टॉक क्लियर करा जा रहा है और आपके पास चेपी जा रही है गाड़ी, सिंपल सी बात। तो अगला सवाल है त्रिपाठी जी का, त्रिपाठी जी 234, और उनका पूछना है कि इनको मिल रही है फोर्ड एस्पायर टाइटेनियम डीजल, 2017 दिसंबर का मॉडल है, सिर्फ 9500 किलोमीटर चली हुई है और 6 लाख की मांग है, तो क्या लेनी चाहिए? टाइटेनियम प्लस? नहीं, टाइटेनियम ओनली। अच्छा, टाइटेनियम मिल रही है आपको, देखो थोड़ा सा हजम कम होती है कि 2 साल पुरानी और सिर्फ 7,000 कितना चली हुई है, 9500, 10,000 लगा लेते हैं, 10,000 ही चली हो गाड़ी, और अगर ऐसा है तो भी आप इतना लाख तो मत खर्चिए यार उसके ऊपर, थोड़ा सा और कम लेकर के आइए उसको, गाड़ी बहुत बढ़िया है उसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन एक बार हिस्ट्री जरूर चेक करवा लेना। तो मेरे हिसाब से गाड़ी ना मैक्सिमम 5.5 तक सही रहेगी, बस इतना ही है जी, इससे ऊपर देना भी मत। प्रसाद पूछ रहे हैं, केरला से हैं ये और दिल्ली में काम करते हैं, और अल्ट्रोज इन्होंने बुक करी है, इनको गाड़ी को लेकर दिल्ली आना है, और फर्स्ट सर्विस से पहले मुझे गाड़ी को चला के दिल्ली लेकर आना है, और उसमें कोई दिक्कत है क्या, पूछ रहे हैं। 2500 किलोमीटर का इनका रन है और सर्विस होती है 1500 किलोमीटर के आसपास, तो मैं आपको ये राय देना चाहूंगा कि आप 2500 किलोमीटर लगातार तो चला के नहीं आने वाले हैं,
तो आप एक जो है स्टॉप डिसाइड करेंगे तो वहां पर आसपास में टाटा का सर्विस सेंटर कहां पर है वो देख लीजिए और उसी हिसाब से जो है आप रेस्ट कीजिए और साथ साथ में सर्विस करवा लीजिए। हालांकि फर्स्ट सर्विस में कुछ होता नहीं है, अगर आपको नॉर्मल सर्विस स्टेशन भी मिले टाटा का ऑथराइज वहां पे करवा लीजिएगा ताकि वारंटी आपकी बनी रहे। ठीक है, विश्व त्यागी पूछ रहे हैं कि अमेज बेस मॉडल ले सकता हूँ क्या, क्योंकि मंथली रनिंग मेरी अप्रोक्स मैक्सिमम 100 ही है बस मैक्सिमम, ज्यादातर बाइक में ट्रेवल करते हैं, भिवाड़ी से है भाई साहब, पेट्रोल वेरियंट चाहिए उनको या फिर अल्ट्रोज ले लूं, तो मैं 100 मतलब 100 किलोमीटर मतलब महीने में। हाँ, 3 किलोमीटर पे के लिए गाड़ी क्यों ले रहे हैं भाई साहब? देखो अगर लेनी भी है आपकी जरूरत पड़ जाती है कभी कभार तो यूज्ड कार में चाहिए, इतने पैसे खर्च मत तो करिए। ये समझदारी वाला डिसीजन है सेकंड हैंड गाड़ी के लेना। ठीक है, फिर भी लेनी है तो हाँ ले सकते हो, उसमें कोई गलत है नहीं, गाड़ी का बेस वेरियंट आप ले सकते हैं और आपको अल्ट्रोज भी पसंद आ रही है तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन समझदारी नहीं है। तो खान साहब पूछ रहे हैं कि फोर्ड फ्रीस्टाइल और टियागो में से कौन सी कार बेस्ट है और सर दोनों कारों में से मेंटेनेंस महंगी किसकी है, सर दोनों कारों में से किसके पार्ट मिलने में मुश्किल होती है, प्लीज सर बताइए जरूर, थैंक यू। और दोनों कारों में से इंजन किसका साइलेंट है? इंजन तो साइलेंट है भाई साहब। हाँ, इंजन है आपका जो है फ्रीस्टाइल उसका साइलेंट है। और जो सर्विस सस्ती पड़ेगी वो टियागो की पड़ेगी आपको, क्योंकि टियागो का जो सर्विस इंटरवल है 15,000 किलोमीटर के बाद है और साइलेंट इंजन जो है वो आपको फ्री स्टाइल का पड़ेगा। और तीसरी चौथी चीज है कि अगर रिस्पांस की बात करते हो तो रिस्पॉन्सिव भी जो है वो आपको फ्री स्टाइल का इंजन ज्यादा लगेगा। ओवरऑल बढ़िया गाड़ी आपको फ्री स्टाइल रहेगी अगर आपका फोर्ड का शोरूम नहीं है आसपास में, इन दोनों में से कंपेयर करते हैं तो उसको ले सकते हैं दोस्त। ठीक है, टियागो में जा सकते हैं अगर आपके नजदीक शोरूम है, फोर्ड के शोरूम अवेलेबल नहीं है तो फिर आप जो है छोड़िए फ्री स्टाइल को। धनजू जी पूछ रहे हैं कि क्या XUV 500 में रेटलिंग नॉइस है, यूज्ड कार लेना चाहते हैं? अभी तो नहीं है, यूज्ड कार अगर शुरू की आप ले रहे हो जब लॉन्च हुई थी गाड़ी, हाँ, उसमें कुछ एक रेटलिंग की नहीं और भी कुछ दिक्कतें थी। ठीक है, तो वो तो है, अब वाली में तो नहीं है दोस्त। तो प्रदीप जी को बहुत बहुत बधाई है उनकी i20 के लिए, BS6 है उनकी i20। और एक थोड़े से कंफ्यूज है हमारे कार्तिक जी, उन्होंने फ्री स्टाइल तो ले ली है डीजल में। ठीक है, अब वो सोच रहे हैं कि थोड़ा वेट करके अल्ट्रोस ले लेता, आपका क्या ओपिनियन है? स्पेसियस भी है, अल्ट्रोस सेफ है और ट्रस्टवर्दी कार लेनी थी भाई साहब। मेरे हिसाब से जो आपने गलती से डिसीजन ले लिया ना वो बेस्ट डिसीजन है। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त डिसीजन है आपका। और डीजल के अंदर तो कोई आसानी है नहीं यार, उस गाड़ी का क्या मस्त चलता है उसका डीजल इंजन। अब ये नहीं कह रहे अल्ट्रोस खराब है, अल्ट्रोस बहुत बढ़िया गाड़ी है, लेकिन बहुत ही अच्छी गाड़ी है। तो हाँ, आपने बिल्कुल सही लिखा है कि अल्ट्रोस थोड़ी सी स्पेसियस है, थोड़ा बहुत जो है प्लस अल्ट्रोस के भी है इसके कंपैरिजन में, लेकिन डिसीजन आपका बहुत अच्छा है, आप परेशान मत होइए। पन्नू जी पूछ रहे हैं कि मैंने एक वीक पहले नई नेक्सोन ली है, उसकी विंडशील्ड में चिप क्रैक आ गया छोटा सा, इलाज बताओ? धीरे धीरे जब बढ़ जाएगा तो उसको चेंज करवा लीजिएगा, इंश्योरेंस में क्लेम करके चेंज करवा लीजिए, ऐसा कोई इलाज नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है जी। ठीक है, अंकित गलौत जी पूछ रहे हैं कि हाय रवि रोहित, आई एम लुकिंग टू बाय अ न्यू कार, 16 लाख इनका बजट है, अभी ये यूज कर रहे हैं ब्रेजा, क्रेटा और स्कॉर्पियो और 5-सीटर लेनी है और इस बजट में बताइए। मतलब इन्होंने हर कैटेगरी की जो है वो ले रखी है, ब्रेजा भी ले रखी है, क्रेटा भी ले रखी है, स्कॉर्पियो भी ले रखी है। तो अब क्यों ना आप टाटा को एक बार ट्राई करके देख लो, टाटा हैरियर जो है जी हाँ वो है, काफी माचो लुक के साथ आती है, काफी बिक भी रही है, काफी अच्छा रिस्पांस भी है मार्केट में। यहाँ पर सेल्टोस भी कह सकते थे लेकिन क्रेटा भी आप यूज कर रहे हो तो फिर सेल्टोस लेने का कोई मतलब नहीं होता जी। हैरियर वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर है तो अच्छी चलेगी भी। तो ये थे जी आप लोगों के सवाल, आपके सवालों के आंसर देने की कोशिश करी है हमें, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए Q&A में जो कि आएगा संडे को इनके चैनल में। भाई साहब को मेरी ड्राइविंग पे भरोसा नहीं है, यहाँ पर भी प्रोटेक्शन जो है ना जैकेट वैकेट डाल के बैठते हैं, ऐसा है किसी का जी बिल्कुल। तो आप भी ये सवाल पूछिए हमें, जो नीचे ईमेल आईडी दी गई है वहां पर पूछ सकते हैं या यहाँ पर इंस्टाग्राम के अंदर डायरेक्ट हमें DM कीजिएगा, वो ज्यादा सही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन सीट बेल्ट का और हेलमेट का जरूर ध्यान रखिए अगर आप ड्राइव करते हैं राइड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय।